दोस्तों, गौ मांस या गौ रक्षक के नाम पर आज तक न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है कि आज की वीडियो में एक बच्चे को एक गौ तस्कर समझ गया लिया गया, उससे गोली मार दी गई। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा का एक जिला पड़ता है फरीदाबाद, जो मूलतः NCR में आता है, दिल्ली के पास। वहीं पर एक आर्यन मिश्रा लड़के, जिसकी उम्र 19 साल थी और वो 12 की पढ़ाई कर रहा था, वो अपने मकान मालिक के लड़कों और उसके मकान मालिक के साथ रात में आइसक्रीम खाने निकला था। तारीख थी 24 अगस्त 2024। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब, जब वो रास्ते पे जा रहे थे, गाड़ी थी लाल डस्टर, और जैसे ही वो गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, उसे एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट पीछा करने लगती है। जो गाड़ी चला रहा था, उसकी 2-3 दिन पहले दोस्तों किसी ग्रुप से झगड़ा हुआ था। उसने समझा कोई ग्रुप मेरा पीछा कर रहा है, उसने गाड़ी तेज भगाने लगी। यह देख पीछे वाली सफेद स्विफ्ट भी तेज होने लगी। आगे पलवल नाका पड़ता है हरियाणा फरीदाबाद का, वहीं टोल नाके के पास उस लाल रंग की डस्टर बिना रुके डिवाइडर तोड़ के आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे स्विफ्ट कार भी आगे बढ़ जाती है। टोल नाकों के कर्मचारियों को लगा कि कोई ये मामूली झगड़ा है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो स्विफ्ट उस डस्टर के पास आ जाती है और गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं, तो ड्राइवर वो गाड़ी नहीं रोकते हैं। सब सब लड़के ही थे, और आगे बढ़ जाते हैं। तभी पीछे से स्विफ्ट में एक व्यक्ति, जिसका नाम अनिल कौशिक था, वो पीछे से बंदूक से फायर कर देता है। डस्टर के पीछे की जो शील्ड होती है, तोड़कर एक गोली उसमें बैठे आर्यन मिश्रा को लगती है, और उसको लगता ही वो गाड़ी ऑटोमेटिक रोक देते हैं सब। और ऑटोमेटिक गाड़ी जब रुकती है, तो पीछे से स्विफ्ट, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट भी आकर रुकती है, और उसमें से उतर कर अनिल कौशिक ने आगे से सीने पर उस लड़के आर्यन मिश्रा को गोली मार देते हैं, और उस लड़के को वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग आगे भाग जाते हैं। मामला पुलिस के तक पहुंचता है, पुलिस इसकी जांच बिठाई जाती है, और टोल पे लगे नाकों पे लगे कैमरा से पे 29 कैमरा, CCTV कैमरा खंगाले जाते हैं, तो उसमें से उस लाल रंग के डस्टर का पीछा करते हुए स्विफ्ट का पता चल जाता है। स्विफ्ट का पता लगाने के बाद पुलिस आरोपी अनिल कौशिक को गिरफ्तार कर लेती है। अनिल कौशिक के जो उस स्विफ्ट में कार में बैठे थे, वरुण, आदेश, कृष्णा और सौरभ शर्मा, इन सबको 29 तारीख को गिरफ्तार कर लेती है सब पुलिस। और जब जांच में पता चलता है, तो अनिल कौशिक बताता है कि मुझे गलती हो गई, मैं जाना कि कोई मुस्लिम था, इसलिए मैं पीछे से गोली चला दिया। वहीं जो मृतक अनिल मिश्रा थे, उनके पिता श्यानंद मिश्रा ने कहा कि क्या कोई मुस्लिम हो तो तुम लोग गोली मार दोगे, तुम कौन होते कानून में हाथ में लेने वाले। श्यानंद मिश्रा मूलतः उत्तर प्रदेश के अयोध्या से रहते हैं और फरीदाबाद में रह के कुछ काम करते हैं, वहीं पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उन्हीं का लड़का था आर्यन मिश्रा, जिसकी उम्र 19 साल थी। पिता ने जब आरोपियों से मिला, तो आरोपियों ने उनके पैर छूकर माफ़ी मांगा, जो मूलतः जो मुख्य आरोपी अनिल कौशिक, और कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, मैं जाना कोई गौ तस्कर है, कोई मुस्लिम है, इसलिए मैं उसे गोली मार दिया और मुझसे एक अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, और मुझे फांसी भी हो जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। वहीं उनके पिता श्यानंद मिश्रा ने कहा कि ये लोग कोई गौ रक्षक नहीं है। वहीं पुलिस के जो SAP की क्राइम ब्रांच है, अमन यादव ने भी कहा कि इनका कोई भी अभी तक किसी गौ रक्षा दल से जुड़े होने का सबूत नहीं मिला है, और ये क्या किसी भी मुस्लिम रहेगा तो इसलिए गोली मार देंगे, ये आरोप लगाया है श्यानंद मिश्रा ने, मृतक के पिता ने और उनकी माँ ने, कि अगर कोई मुस्लिम है तो क्या वो इंसान नहीं है, ये लोग किसी को भी गोली मार सकते हैं गौ के नाम पर, इसलिए इन्हें कड़ी कड़ी सजा फांसी दी जाए। दोस्तों, आप वीडियो के बारे में क्या जानते हैं या क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ।